रहस्यमय गर्ल्स हॉस्टल पार्ट 6। रुचि अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी। अपने मन में उठते अनगिनत सवालों के बीच उलझी रुचि गीतांजलि मैम की चेतावनी याद करती हुई खिड़की की तरफ एक टक लगाए देखती है। वही कॉरिडोर से भागते हुए आने पर रीमा की सांसें तेज रफ्तार में चल रही थी। लग रहा था कि मानो उसने कोई मेडल हासिल किया हो या किसी बात से भयभीत हो, किंतु संभावना कुछ भी हो सकता था, यहाँ तो पासा ही उल्टा था। ये तो वो जानती थी कि किस कदर वह घुटन महसूस कर रही थी, किंतु रुचि को बताकर उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। उसके कदम मानो जमीन पर ना हो, एक विचलित सी स्थिति में दोनों बदहवास से लग रही थी। नीचे हॉल में पूजा की तैयारियां चल रही थी। हॉल के चारों तरफ रोशनदार को खोल दिया गया, शायद हवन का धुआं कुछ बाहर निकल जाए। कुछ रंगीन पर्दे जो हॉल की शोभा बढ़ा रहे थे, जिसको वॉट लेडी कामना ने उतार दिया और एक एक करके सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। हॉल के बीचों बीच ग्राउंड फ्लोर, जहां पर अक्सर फंक्शन हुआ करता था। हॉस्टल के फंक्शन सामूहिक रूप से आयोजित होते थे, क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन उसी हॉल में ही होता था, तो पूरा हॉस्टल शामिल होता था। आज वही हॉल है, वही समूह है, वही लोग और नई जिज्ञासाएं, किंतु तांत्रिक आगमन एक रहस्य है, कामना सोचते हुए अपने काम में लग गई और एक एक करके सभी महिलाएं और गर्ल्स पहुंच गई। इस कवायद में अभी हवन सामग्री स्थापित हो ही रही थी कि तांत्रिक बाबा अनुराधा मैडम से परमिशन लेकर गार्ड सुनील के साथ पूरे हॉस्टल का राउंड लगाने लगे। अनुषी के कमरे तक पहुंचते हुए उनको कोई नकारात्मक ऊर्जा का आभास तेजी से हुआ। एक आहट, अनजाना सा भय, जिसको गार्ड भी महसूस कर रहा था और वह भीतर ही भीतर डरा हुआ था। एक तसल्ली थी तो इस बात की कि तांत्रिक बाबा साथ में हैं और वह कुछ नहीं होने देंगे। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण तीव्र कर दिया। बाहर हवाएं काफी तेज चल रही थी, तूफानों के वेग से सारे दरवाजे खिड़कियां चरचराने लगे। तांत्रिक बाबा के निगरानी में मॉरिसन हॉस्टल का पूरा निरीक्षण हो चुका था। अब वे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, साथ में सुनील गार्ड उनके साथ साथ चलता आ रहा है, अपने कदमों को बाबा के कदमों के साथ तेजी से बढ़ा रहा है। अब दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं। हवन की तैयारी। तांत्रिक बाबा को हॉल में देखकर कुछ ही आंखें फटी की फटी रह गई। गीतांजलि मैडम, जो कि अपने पापों को छुपाने में अब तक कामयाब रही थी, जिसने रुचि को धमकी दिया था, वो आज अपने गुनाहों को याद कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो यमराज सक्षम हो और आज उसके प्राण हरने वाले हैं, और तुम्हारे गुनाहों को कबूल करने को कह रहे हो, कुछ इस तरह से गीतांजलि उसमें पड़ जाती है। गीतांजलि चिंताग्रस्त अवस्था में बहुत सोच विचार कर रही होती है। अनुराधा मैडम को हवन स्थल के पास दरी पर बैठा देख गीतांजलि कुछ विचलित भी लग रही थी कि कहीं मैडम को शक ना हो जाए, कुछ पता ना चल जाए। उन्होंने देखा कि गीतांजलि मैडम कुछ भयभीत लग रही है, आखिर अनुराधा मैडम की नजर उन तक कैसे ना पहुंचती। उन्होंने खिड़की के बाहर नजर घुमाई और देखा कि मौसम काफी खुशनुमा है, किंतु गीतांजलि मैडम के चेहरे पर डर और पसीना साफ झलक रहा था। तभी गीतांजलि को आवाज लगाया, गीतांजलि सुनो, मेरे पास आओ, अनुराधा मैडम ने ऊंचे स्वर में बोला। शायद गीतांजलि मैडम पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुकी थी। उनकी इतनी हालत खराब देखकर बाकी लड़कियां ठहाके लगाकर हंसने लगी। उधर रीमा और रुचि भी अपने ग्रुप के साथ दूर खड़े हंस रही थी। अब अनुराधा मैडम खुद गीतांजलि के पास गई और उनके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और जोर से हिलाया। अब उनकी तंद्रा टूटी और जबान से एक ही शब्द निकला, मैंने अनुषी को नहीं मारा, वो ठाकुर। प्रश्न की दृष्टि से सभी एक टकी लगाए देखते जा रहे हैं और सन्नाटा छा गया, चकित रह गए हर लोग। सभी लोग
चकित रह गए। अनुराधा मैडम के होश उड़ गए। ये क्या सुन रही हो गीतांजलि? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम वाकई गुनहगार हो। अब गीतांजलि सफाई पेश करने लगी और अपनी बातों में उलझा कर सबका ध्यान अपनी तरफ से हटाने में कामयाब हो गई। एक बार फिर पीछे से आवाज आई, आज भी बच गई मैडम, पता नहीं इनके पापों का घड़ा कब भरेगा। रुचि बुदबुदाते हुए। गीतांजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो वही रुचि थी। उफ, इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, गीतांजलि रुचि को घूरते हुए बोली। इस गर्मा गर्मी के बीच में तांत्रिक बाबा ने माहौल कुछ शांत किया और विश्वास दिलाया कि जो भी घटना यहाँ घट रही है इसके पीछे किसी का हाथ है, लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हॉल में मौजूद छात्राओं, अध्यापिकाओं, गार्ड और अन्य वर्कर सभी ने चैन की सांस ली। आज बहुत दिनों बाद लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पहले जैसा ठीक हो जाएगा, अनुराधा मैडम सोचते हुए होठों के बीच कम फासले लिए धीरे स्वर में बोली। तांत्रिक सिद्धि और नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ मंत्रों का स्वर गूंजने लगा। ओम क्लीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा, काली शक्तियां प्रकट हों। ओम क्लीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा। हवन में सामग्री डालते हुए, यज्ञ की अग्नि चरम पर थी, दहकती आग और बाबा के मंत्रों का तेज उच्चारण कुछ विचलित करने वाला था। एक अज्ञात शक्ति का प्रगटीकरण जो कि केवल तांत्रिक बाबा ही देख सकते थे। उन्होंने हवन सामग्री डालना बंद कर दिया और आत्मा से कनेक्ट होने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनको सवालों के जवाब मिलने ही वाले थे कि पीछे से हवा का एक झोंका आया। बहुत बड़ा बवंडर जिसे सभी देख सकते थे, ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र तट पर कोई चक्रवात आ गया हो। उस अज्ञात हवा का तांत्रिक बाबा से टकरा जाना उनको मूर्छित कर देता है। अब सबकी नजरें खिड़की की तरफ गई जहां से बहुत तेज तूफान अपने पूरे वेग के साथ आया। इतना भारी वेग हवन के दौरान भी नहीं था, फिर ये सब क्या है? अनगिनत सवाल, वापस कड़ियां उलझती गईं। अब तो सबको तांत्रिक बाबा के होश में आने का इंतजार था। अगला पाठ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।